हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं यह किस विषय का मॉडल है। इसको देखते ही आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि यह एक अर्थशास्त्र का मॉडल है जो कि बना है बीएड थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचिंग के लिए। आइए तो हम इसको देखते हैं, हमें इसे कैसे बनाना है, इसको कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। हमने लिया है टॉपिक मुद्रा के विकास के चार भाग। कैसे मुद्रा के विकास हुआ, किस तरीके से मुद्रा का विकास हुआ, इसके विकास के चार आधार हैं। आपका पहला है वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा में भी चार भाग हैं, उसको आगे हम जानेंगे। और दूसरे नंबर पे है हमारा धातु मुद्रा, आप देख रहे हैं इसमें धातु मुद्रा है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है पत्र मुद्रा, देखिए पत्र मुद्रा। और चौथे नंबर पे आता है हमारा साख मुद्रा। ये चार विकास के चार भाग हैं हमारे मुद्रा के। आइए तो हम अब जानते हैं वस्तु मुद्रा के पहले पार्ट को। वास्तु मुद्रा में सबसे पहले आया आखेट युग। आखेट युग में क्या होता था कि मनुष्य जंगली था। इस युग में मनुष्य जंगली था, वह क्या करता था, शिकार करता था, उनका मांस खा लेता था, उनकी खालों के वस्त्र पहनता था। अतः प्रारंभ में जानवरों की खालों का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। जानवरों की खालों का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। ये हुआ हमारा प्रथम भाग। दूसरा है चारागाह युग। चारागाह युग आप ये देख रहे हैं, ये है हमारा चारागाह युग। हमने इसमें आखेट नहीं लिया है, अभी आखेट को हमने नहीं इसमें लगाया है, पर आखेट युग भी इसमें लगेगा। चारागाह युग, चारागाह युग में क्या हुआ कि मनुष्य ने जानवरों को मारने के स्थान पर उन्हें पालना आरंभ कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि पशुओं का महत्व बढ़ गया, उनको मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। इन पशुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। चारागाह युग में भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा आदि को भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे आता है कृषि युग। आप देख रहे हैं कृषि युग, और ये कृषि युग में मैंने कुछ अनाज रखे हैं। सभी अनाजों को यहाँ रखना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से मैंने इतना ही रखा है। ये है हमारा कृषि युग। मनुष्य ने इस युग में खेती करके अनाज उत्पन्न करना शुरू किया। फिर क्या हुआ, चावल, गेहूं आदि का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। इसके बाद में तंबाकू, नमक, शीप, ये आप शीप देख रहे हैं, शायद हमारे आज के समय के बच्चों ने शीप नहीं देखी होगी, जिसे हम कौड़ी भी कहते हैं, शीप तथा कौड़ियों को, सॉरी ये कौड़ी है, शीप नहीं है, शीप मैंने नहीं लगाया है यहाँ पे, आदि का प्रयोग शुरू हो गया। इसके बाद आता है हमारा शिल्प कला युग। ये है हमारा शिल्प कला युग, देखिए। इस युग में मिट्टी एवं धातु के बर्तनों, लोहे के हथियार आदि का प्रयोग किया जाता था। किसके रूप में, मुद्रा के रूप में। ये हमारा शिल्प कला युग है। तो हमारे वस्तु मुद्रा में चार तरह के युग हैं। वस्तु मुद्रा में भी चार तरह के युग हैं। कौन कौन से हैं, आखेट युग, चारागाह युग, कृषि युग, शिल्प कला युग। आइए चलते हैं हम अपने दूसरे पड़ाव की तरफ। ये आ गया हमारा धातु मुद्रा, देख रहे हैं आप सब धातु मुद्रा। वस्तु मुद्रा की परेशानियों को दूर करने के लिए मनुष्य सदैव एक ऐसे पदार्थ की खोज में लगा रहा
जो शीघ्र नष्ट ना हो, क्योंकि हमने वस्तु मुद्रा में जितने भी सामान देखे थे वो सब नष्ट हो जा रहे थे, शीघ्र नष्ट ना हो। तो क्या हुआ कि ऐसी ही मूल्यवान वस्तु ये लोग ढूंढ रहे थे, तो इनको ऐसा लगा कि ये लोहे की, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, इन सब का इन्होंने उपयोग करना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने छोटी छोटी छड़ों के रूप में यूज़ किया, इसका इस्तेमाल किया, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने छड़ बनाए हैं, लोहे की, चांदी की और सोने की छड़ बनाए हैं, और अन्य धातुओं की भी छड़ें थीं। तो ये इन्होंने छड़ों का पहले यूज़ किया प्रारंभ में, इन छड़ों के रूप को मुद्रा के रूप में यूज़ किया गया। जब इसमें भी कठिनाइयाँ आने लगी कि छड़ भी बहुत भारी होती थी, तो इन्होंने इसी धातुओं को छोटे छोटे सिक्कों के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे कि आप ये देख रहे हैं सिक्कों के रूप में। सिक्का तो आज के ज़माने में आप सबने देखा होगा, पर हाँ अलग अलग धातुओं के शायद ना देखे हों। तो ये हैं, आप देखिए हर तरीके के सिक्के हैं, और ये उसका पहले का रूप है छड़ों के रूप में। तो ये इन्होंने शुरू किया धातु मुद्रा, ये हमारा धातु मुद्रा का युग है। अब हम अपने तीसरे पड़ाव की तरफ आते हैं, जो कि है हमारा पत्र मुद्रा। यह है हमारा पत्र मुद्रा। अब हम जानते हैं सोने व चांदी से बनी मुद्रा के प्रयोग से अनेक कठिनाइयां अनुभव की गई, जैसे मूल्यवान धातुओं की घिसावट, क्या जैसे मूल्यवान धातुओं की घिसावट, सीमित मात्रा में पूर्ति, भारी होने के कारण लाने तथा ले जाने में कठिनाई, धातु मुद्रा की ढलाई का महंगा होना, ढलाई भी बहुत महंगी होती थी, उसमें पैसा ज़्यादा लगता था, इन कठिनाइयों को दूर करके इनका विकास हुआ। कठिनाइयों को दूर करने के लिए किसका विकास हुआ? हमारी पत्र मुद्रा का विकास हुआ। पत्र मुद्रा के कुछ अंश को धातु के कोष के रूप में रखा जाता था। आज के समय में, आजकल विश्व के सभी देशों में पत्र मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, आप और जो कि आप लोग यूज़ भी कर रहे होंगे इस समय, और ये अभी चलन में है और आगे भी चलन में रहेगा। तो ये है हमारा पत्र मुद्रा। आपने जाना कि पत्र मुद्रा क्यों आई? क्योंकि धातु जो है वो बहुत ही महंगी भी होती थी, कीमती होती थी, उसकी ढलाई में और ज़्यादा पैसे लगते थे, और वो बहुत भारी होती थी, इस कारण से पत्र मुद्रा की शुरुआत हुई, पत्र मुद्रा का युग आया। जैसे जैसे आधुनिक युग आ रहा है, आप हमारा तीसरा चौथा पड़ाव आ जाता है, हमारा साख मुद्रा। ये है हमारा साख मुद्रा। ये देखिए साख मुद्रा में, आप इसको देखते ही जान गए होंगे कि हमारे साख मुद्रा में क्या क्या है। आधुनिक युग में तीव्र आर्थिक प्रगति तथा बैंकिंग प्रणाली के पर्याप्त विकास के साथ साथ मुद्रा का अधिकतर प्रयोग किया जाने लगा। साख मुद्रा के अंतर्गत चेक, हुंडी, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र तथा बैंक ड्राफ्ट आदि साख पत्र सम्मिलित किए जाते हैं। पश्चिमी देशों में बैंकिंग प्रणाली का अधिक विकास होने के कारण वहां साख पत्रों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। भारत में भी पर्याप्त मात्रा में साख मुद्रा का प्रयोग हो रहा है, आप लोग भी कर रहे होंगे। डेबिट कार्ड का यूज करते हैं, चेक्स का यूज करते हैं हम, डिमांड ड्राफ्ट का भी यूज करते हैं, हुंडी का इस्तेमाल कम है, आप इन सब का इस्तेमाल कर रहे होंगे। इससे क्या होता है, हमारे समय की बचत होती है। ये हमारे आधुनिक युग की मुद्रा है, इसे हम अपने आधुनिक युग की भी मुद्रा कह सकते हैं। तो आज आपने जाना कि किस तरीके से मुद्रा का विकास हुआ, पहले क्या था, कैसे उसमें बदलाव आया, फिर धातु मुद्रा आई, फिर पत्र मुद्रा आई, और फिर हमारी साख मुद्रा आई। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक पे बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।